अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक होंगे कि ना? आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी रेसिपी देने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी और सर्दियों के हवाले से भी बहुत मज़ा आता है रेसिपी में। मैं चार गोश्त बनाने जा रही हूँ। चार गोश्त जो है मैं शान के मसाले के साथ बना रही हूँ, लेकिन चाहें तो आप इसको लहदा अपने मसाले से भी बना सकते हैं। इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बहुत जल्दी से झटपट बन जाता है, इसीलिए मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो इसका लिए मैंने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है जो कि उबाल के रख लिया है साफ करके, और थोड़ी सी मैंने प्याज ली है जो चॉप करके रख ली है, एक डेढ़ प्याज है ये। अच्छा, एक अब ये जो मैंने चार गोश्त का मसाला लिया था वो एक पैकेट है, इसके अंदर मैंने नींबू निचोड़ लिए थे और नींबू को मैंने मिक्स कर लिया। अब जब मिक्स हो गया इसमें तो फिर मैंने इसको इस तरह से जो बड़ी वाली मिर्ची होती हैं इसके अंदर भर लिया। आपको जितना अच्छा लगे आप उस हिसाब से ले लें, बाकी इसके अंदर कोई ऐसे ख़ास मसाले नहीं जाने। और हरा धनिया है वो थोड़ा सा मैंने काट के रख लिया है, और ये जो है रखा हुआ है, ये जो है मैंने टमाटर है तीन, इसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है और दही रखा हुआ है, बस यही चीज़ें इसके अंदर जानी है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने अब इसके अंदर एक कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैं थोड़े से ये अदरक लहसुन है डालना, जो पहले मैंने प्याज डाल दी है, प्याज को थोड़ा सौते कर लें, मतलब प्याज इतने करें कि वो लाल ना हो जाए, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए। जब ये ज़रा लाइट ब्राउन हो जाए अपने आप, लेकिन ये सब प्याज हो रही है और अभी हुई नहीं है, जैसे इसको ब्राउन हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब इसकी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसी के अंदर हम ना ये जो मटन है वो डाल दिए, इसको थोड़ा फूल लेंगे तब तक मटन का कलर चेंज हो जाए। मटन तो मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, इसलिए मैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मटन आराम से इसमें गल जाएगा। इसके अंदर दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लें। इसको थोड़ा भून लें, अभी भून के मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या डाल। देखिए व्यूअर्स, के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जले ना, और हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब जो गोश्त है उसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा है, वैसे ही बॉयल हुआ हुआ है तो इसलिए इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे शान का मसाला, इसमें मैंने नींबू डाल के रखे हुए थे, उसे डाल के मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर, और इसको 5 से 7 मिनट आप पकाएं। आपका जब तक पकाइएगा जब तक गोश्त गल ना जाए इसको। देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसके अंदर मसाला भी डाल दिया है, थोड़ा पानी भी डाल दिया था, ये इसमें पक रहा है और 4 से 5 मिनट ये पकेगा। अब इसके अंदर आप दही डाल दें, और अगर आपका गोश्त गला हुआ नहीं है तो दही और पानी डाल के आप इसको गला लें, लेकिन मेरा गोश्त गला हुआ है तो मैं साथ में ही हरी मिर्चें और दही और मैंने जो टमाटर बना के रखे थे वो भी डाल दूँगी, ताकि ये एक जब भुन जाए तो फिर ये तैयार हो जाएगा और बड़ी झटपट से बनने वाली रेसिपी है। बस गोश्त को गलाना है, अगर आपने पहले से गला लिया तो फिर आपका आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर गोश्त को गलाना है तो आप उसको वैसे नहीं रखना पड़ेगा। अब आप इसमें दही डाल दें और दही डाल के और इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको पकने रख देंगे और जब तक गोश्त गलना चाहे उसके बाद आप इसको दोबारा देखेंगे 5-7 मिनट बाद। मेरा गोश्त गला हुआ है तो मैं साथ में ही चीज़ें और कुछ भी डाल रही हूँ, और वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दही जो टमाटर हैं 3 टमाटर जो मैंने चॉप करके रख लिए थे ब्लेंडर में, ये मैं डाल दिया उसके अंदर। मैं टमाटर डाल दिया, अब इसके ऊपर मैं हरी मिर्चें जिसमें मैंने
हरी मिर्चें जिसके अंदर मैंने मसाला नमक डाल के भर के रख लिया था वो मैं ऊपर से डाल दूंगी। बस अब इसको हम पकने रख देंगे और जब इसमें क्योंकि मेरा गोश्त गलावा है तो मैं इसे बस इसके अंदर फौरन ही हम बस थोड़ा बहुत देखेंगे जब तैयार होगा तो मैं पहले आपको दिखाऊंगी उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। और आपका गोश्त गलावा नहीं है तो मैंने बता दिया जब गोश्त गल जाए तो फिर आपने ये टमाटर चॉप करके और हरी मिर्ची डाल देनी है और इसको फिर दोबारा से उभरना है। फिर से जब ये इसकी फाइनल शक्ल आ चुकी है और ये तैयार हो चुका है अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें इसको इतना भून लेना है कि बस इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए और ज़्यादा इसके अंदर पानी ना आए। व्यूअर्स मैंने देखा चार गोश्त बनाया और आपको दिखाया कि सब कुछ किया लेकिन आ गया फाइनल में मैं उसकी वीडियो नहीं ले सकी क्योंकि कुछ मेरे गेस्ट आ गए थे तो मैं इतनी बिजी हो गई कि फिर मैं उसको आपको निकाल के फाइनल डिश आउट नहीं कर सकी लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा और इसी तरह से फाइनल उसकी रेसिपी आती है और यकीनन आपको पसंद आएगा अगर आप बनाएंगे इस मेथड से। ख़ासतौर पर इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी आप बना सकते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक बहुत मज़े की डिश है और बहुत अच्छी लगती है और जब भी आपका कोई गेस्ट आ जाए तो बहुत जल्दी से बनने वाली डिश है। और बस हमें अपनी दुआ में याद रखें और आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें हमें भी अपनी दुआ में याद रखें कि हम भी खुश रहें सेफ रहें और बाकी ये कि हम किसी अच्छे से ब्लॉग में फिर दोबारा आपसे मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे व्लॉगिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।